नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नितेश। दोस्तों, अगर आप 12th पास हैं या फिर आप हैं ग्रेजुएट, दोनों ही कैटेगरीज के लिए इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही सारी वैकेंसियों के ऑफर्स लेकर के आया हूं। आप वीडियो को पूरा देखें और ये भी देखें कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि आप अंडर ग्रेजुएट हैं या फिर आप ग्रेजुएट हैं और कौन सी वैकेंसी आपके लिए काम की है। तो दोस्तों, वीडियो को आप जब पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस वैकेंसी का फॉर्म आपको फिल करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं उन वैकेंसियों की जो अंडर ग्रेजुएट के लिए हैं। सबसे पहले उन पर हम निगाह डाल लेते हैं। ये वैकेंसी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से निकाली गई है, तो यहाँ ये स्पष्ट है कि रेलवे में जो भर्तियां निकाली जा रही हैं, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ टू कैटेगरीज में वैकेंसियां हैं। पहली वैकेंसियां वो हैं जो अंडर ग्रेजुएट के लिए है, यानी कि आप 12वीं पास हैं तो आपके लिए ये वैकेंसियां हैं, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो वो वैकेंसियां आपके लिए अलग है। जब क्लासिफिकेशन हो जाता है तो बड़ा आसान हो जाता है ये समझना कि हमें कौन सी वैकेंसी फिल करनी है और हम क्या आगे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अंडर ग्रेजुएट वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, अंडर ग्रेजुएट में सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखो कि आप 12th पास हैं तो आप इसके योग्य हैं। दूसरी बात कि अगर आप 12th में एपियर हैं तो भी आप फॉर्म तो फिल कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है तब तक आपके पास वो जो डिग्री है वो आ जानी चाहिए। ये आप विशेष रूप से याद रखें, क्योंकि कमेंट में इसी चीज को लेकर के मैक्सिमम सवाल होता है कि सर मैं एपियर कर रहा हूं, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं। तो ये चीज मैंने आपको पहले ही यहाँ क्लियर कर दी है। अब बात कर लेते हैं अपन उन वैकेंसियों की जो 12th पास लोगों के लिए है। तो सबसे पहली जो भर्ती है वो है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। तो इसमें जो पदों की संख्या है वो है 4,319, ठीक है ना, 4,319 पद का नाम है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। दूसरी है वो है अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो ये 760 पद हैं। फिर है तीसरी जूनियर टाइम कीपर की, ये केवल 17 पद हैं, बहुत ही कम पद हैं, लेकिन है 12th पास के लिए ही। फिर वैकेंसी है ट्रेंस क्लर्क की, ठीक है ना, यहाँ वैकेंसियां 592 हैं, और जो बाद में वैकेंसी आ रही है यानी कि अभी निकल चुकी है वो है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, 4,940 वैकेंसियां हैं। कुल 12th पास लोगों के लिए कुल वैकेंसियों की संख्या यहाँ 10,628 है। अब देखिए, एक चीज याद रखना, अगर आप केवल 12th पास हैं तो आप जिनमें टाइपिस्ट लगा हुआ है उन लोगों के लिए बता रहा हूं। तो जहां जैसे कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है ना, कॉमर्शियल टिकट कम, एक ये है टिकट क्लर्क, ये यानी इस तरह की वैकेंसियों में आपको टाइपिंग आना जरूरी है। हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग आनी चाहिए, साथ ही कंप्यूटर के बारे में भी जानकारी होनी जरूरी है। तो इस चीज को क्लियर कर लेंगे, केवल 12th पास होना ही फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है। अगर टाइपिस्ट है तो आपको टाइपिंग का कोर्स किया हुआ होना चाहिए, आपको टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपसे जब फॉर्म फिल करेंगे तो पूछेंगे टाइपिंग का ज्ञान है कि नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा। और जब आपका स्किल टेस्ट होगा तो आपको टाइपराइटर भी दिया जाएगा या कंप्यूटर दिया जाएगा, तो आपको टाइप करके बताना भी होगा, ठीक है ना, आजकल तो कंप्यूटर बेस्ड टाइप है, तो आपको टाइप करके बताना भी होगा कि आपको टाइपिंग आ रही है, वहां आपको स्पीड निकालनी होगी। तो ये है अंडर ग्रेजुएट वैकेंसी। अब इसमें उम्र की बात करें अपन, तो उम्र है इसकी 18 से 30 वर्ष, छूट अलग अलग है, यानी कि जो अपर एज लिमिट है वो 30 वर्ष है, मिनिमम है वो 18 साल है। तो जब आप विभिन्न कैटेगरियां होती हैं उनमें छूट अलग अलग दी जाती हैं। कुल रेलवे के 21 जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं, उनमें अलग अलग पदों की संख्या है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन पहले 12th और जो ग्रेजुएट है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो अंडर ग्रेजुएट वैकेंसियां हैं उनमें ग्रेजुएशन वाले भी अपीयर कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन वालों के लिए जो वैकेंसियां हैं उनमें केवल 12th पास से नहीं चलेगा, वहां ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो ये तो बात थी अंडर ग्रेजुएट की। अब बात करते हैं अपन ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसीज की। तो ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसी है इनमें एज लिमिट सबसे पहले देख लेते हैं, वो है 18 से लेकर के 33 वर्ष। जो आरक्षण है उस पर जो छूट होती है वो अलग से होती है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम एज लिमिट 33 ईयर्स है, मिनिमम एज लिमिट जो है वो 18 ईयर्स है। तो ये आपको ध्यान रखना है, छूट इसमें अलग से है, विभिन्न कैटेगरीज के लिए जो भी होती है वो सब यहां मिलेगी। अब बात कर लेते हैं पद नाम और कितने पद। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन ट्रैफिक असिस्टेंट की, यहां पदों की संख्या केवल 88 है,
ठीक है ना। फिर अपन बात करेंगे गुड गार्ड की, ठीक है ना, उसकी है 5,748 वैकेंसियां गुड्स गार्ड वाली। फिर है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसकी 5,638 वैकेंसियां हैं। सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की 5,638 वैकेंसियां। फिर है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसकी 2,873 वैकेंसियां हैं। फिर है जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 3,164 वैकेंसी, और स्टेशन मास्टर की बात करें तो 6,865 वैकेंसी। यहाँ एक दो पद और हैं जिनमें पदों की संख्या बहुत ही कम थी, उनको मैंने शामिल नहीं किया है। इस प्रकार कुल पद देखें ग्रेजुएशन लेवल के लिए तो है 24,649। इस प्रकार यहाँ ये कुल पद करीब करीब हो गए आपके 35,000 के ऊपर। तो ये जो पद हैं ये रेलवे ने फिलहाल इसकी वैकेंसी निकाल दी है। इसकी पूरी डिटेल, फुल डिटेल आपको देखनी है तो ये जो रोजगार समाचार में भी आ चुका है, और यहां मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दिया है, वहां से आप इसकी डिटेल्स ले सकते हैं और अन्य जानकारी भी आप जुटा सकते हैं, ठीक है ना। फीस की बात कर लेते हैं तो जनरल कैटेगरी अनारक्षित वर्ग है, उसकी फीस 500 रुपया है, और अगर आप फर्स्ट स्टेज का एग्जाम दे लेते हैं तो उसके बाद आपको 400 रुपया रिफंड भी हो जाएगा। अदर कैटेगरीज है उनका 250 रुपया फीस है, जो कि पूरी तरह रिफंडेबल है वो कैटेगरीज के लिए है। एग्जाम की बात कर लेते हैं तो 90 मिनट का एग्जाम होगा, क्वेश्चन होंगे आपके 100, ठीक है ना। अब इन 100 क्वेश्चन में आपके जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन। इस प्रकार आपके कुल क्वेश्चन होंगे 100, और 100 प्रश्न होंगे, 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी जो रजिस्ट्रेशन वगैरह कब से होंगे, ये डेट्स जो है इंपॉर्टेंट डेट्स, ये आप याद रखें। तो रजिस्ट्रेशन तो इसके 1 मार्च से जो है शुरू हो गए हैं और 31 मार्च तक आप करवा सकते हैं, लेकिन आप जितना जल्दी हो सके करवा लें, 31 मार्च होने का इंतजार आपको नहीं करना चाहिए। अब बात करें फीस की तो 5 अप्रैल तक आप फीस जमा कर सकते हैं। फीस कितनी किस कैटेगरी में ये मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। फाइनल सबमिशन करना है आपको फॉर्म का, वो आप 12 अप्रैल तक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 31 मार्च तक और 12 अप्रैल तक, ये जो 12 दिन का टाइम है ये फॉर्म सबमिशन का है, फीस भी जमा कराने का है, तो आप कोशिश करें सारा काम पहले ही कर लें टिल डेट से, तो ज्यादा बेटर रहता है, तो कि ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम तैयारी का मिल सके। सिलेबस बहुत इसका अच्छा है, बहुत ज्यादा लेंदी सिलेबस होता है, उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहाँ आप ये ध्यान रखें कि टाइम से फॉर्म फिल करेंगे तो आपको सिलेबस पर ध्यान देने का और तैयारी करने का टाइम मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका जो एग्जाम की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसको कि सीबीटी कहते हैं ये लोग, ठीक है ना, और वो आपके जून से सितंबर के मध्य में हो सकता है, टेंटेटिव है, अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता। वेबसाइट आप देखते रहे, मेरे वीडियोज को देखते रहे तो आपको इसकी जानकारी मैं देता रहूंगा। अब बात कर लेते हैं उन 21 रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की, रेलवे के रिक्रूटमेंट बोर्ड की, जहां विभिन्न बोर्ड्स में विभिन्न पदों की संख्या मैं आपको बता रहा हूं। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में आपको ये पता लग जाएगा कितने पद हैं, उस हिसाब से आप फॉर्म फिल करें। अदर स्टेट में भी कर सकते हैं, बस वहां आरक्षण का जो मामला है वो थोड़ा सा अदरजूल होता है, चूंकि वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो आपको आरक्षण में कोई दिक्कत आएगी नहीं, स्टेट कोई सा भी हो छूट मिल जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन अहमदाबाद आरआरबी की, तो यहाँ कुल पदों की संख्या 1024 मात्र है। बात करते हैं अजमेर की, राजस्थान की, तो पदों की संख्या 1773 है। ये विभिन्न कैटेगरी के पद हैं जो मैं आपको टोटल बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिर आपको डिटेल देखना है तो मैंने लिंक दे दिया है, जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगा कौन से आरआरबी में कितने कितने पद किस किस कैटेगरी के हैं। फिर इलाहाबाद की बात करें आरआरबी की, तो 4,099 पद हैं। अगर अपन बात करते हैं बेंगलोर की तो 2,470 पद हैं। भोपाल की करें तो 997 यानी कि 1,000 से कम पद हैं, 997। भुवनेश्वर की बात कर लेते हैं तो 498 ही हैं, 500 से भी कम पद हैं। बिलासपुर की बात करें आरआरबी की तो 1,207 पद हैं। चंडीगढ़ की बात करें तो 2,483 पद हैं। पटना की, बिहार की बात करें तो 1,039 पद हैं। सिकंदराबाद की बात करें तो 3,234 पद हैं। सबसे बढ़िया बात है तिरुवनंतपुरम की, एकमात्र इतना बढ़िया आरआरबी है जिसमें पदों की संख्या बम्पर है, बहुत ही बम्पर है, 35,277 पद हैं। यहाँ तिरुवनंतपुरम में सबसे ज्यादा वैकेंसी निकली है, आरआरबी तिरुवनंतपुरम के लिए निकली है, तो आप तैयार हो जाएं ट्रेन का सफर करने के लिए, वहां तक एग्जाम देने के लिए, अगर आप तिरुवनंतपुरम का फॉर्म फिल करते हैं ये सोचकर कि वहां पदों की संख्या ज्यादा है और आपका नंबर आ सकता है, तो आप तैयार रहें, आपको लंबा सफर करना पड़ सकता है।
चेन्नई की बात करें तो पदों की संख्या 2694 है। बात करते हैं गोरखपुर की तो 1298 पद हैं कुल, गुवाहाटी में 851 ही हैं और श्रीनगर में 898 ही हैं। अब बात कर लेते हैं अपन कोलकाता की, 2949 पद हैं यहाँ पर। और मालदा की बात करें तो 1043 पद हैं, यहाँ भी कम ही है मालदा में भी। मुंबई की बात करें तो 3665 पद हैं, मुंबई की बात अपन कर चुके, 3600 पद हैं। और मुजफ्फरपुर की बात करें तो 329, शायद सबसे कम रिक्रूटमेंट वाला यही बोर्ड है मुजफ्फरपुर। रांची की बात करें तो 1386 और सिलीगुड़ी की बात करें तो 443। ये 21 रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं आरआरबी के, जहां पदों की संख्या अलग अलग है। ये मैंने कुल पद बताए हैं, डिस्क्रिप्शन इसका अलग है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने सारी डिटेल्स जो है यहाँ एक लिंक दिया है, उसमें आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने यहाँ दिया हुआ है, जहाँ आपको विभिन्न वैकेंसियों की जानकारी मिल सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी केवल वैकेंसी की दी गई है। आपको अगले वीडियो में मैं जानकारी दूंगा इसके सिलेबस की, कैसे तैयारी करें ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं, लाइक करें, इसको पसंद आया तो शेयर करें दोस्तों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुँच सके। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा देंगे तो आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर आपसे कोई भी वैकेंसी, कोई भी तैयारी संबंधी वीडियो मिस नहीं होगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में मैं फिर मिलता हूँ आपको। तब तक के लिए नमस्कार।